देखिए यहाँ पे जो भी नेता आया है, यहाँ पे जो भी नेता आया है, उन्होंने यहाँ के युवाओं को ठगा है, नौकरियों के नाम पे ठगा है। ना कोई यहाँ पे युवाओं के लिए पहले घोषणा हुई थी कि इंडस्ट्री लेके आएंगे, तो कोई इंडस्ट्री नहीं आई है। सरकारी नौकरी तो छोड़ो, यहाँ प्राइवेट के लिए भी यहाँ के लीडर जो बने उन्होंने कुछ नहीं किया। और विपक्ष में जो अजय महाजन जी ने, इन्होंने अभी एक दौर चलाया है, बायोडाटा दो और नौकरियाँ लो। और अभी बोल रहे हैं कि नौकरी, अभी बोल रहे हैं कि नौकरी बाद में मिलेगी, पहले मेरे को वोट दो। तो इनको, हाँ, युवाओं को समझना चाहिए कि ये हमें ठग रहे हैं, तो इनकी झांसे में ना आए और बदलाव करें। रणवीर सिंह निक्का जी जो नूरपुर में, अभी जिनका हर तरफ नाम है, निक्का जी को लाएंगे तभी यहाँ पे बदलाव होगा। आप एक युवा हो, आप कुछ बोलना चाहोगे? हम तो यही चाहते हैं कि नूरपुर में इस बार बदलाव चाहिए हमें, क्योंकि बारी बारी की जो राजनीति है उसको निक्का भाई जी ख़त्म करने जा रहे हैं। और बस हम यही चाहते हैं कि इन्होंने युवाओं के बारे में कुछ नहीं किया है। आप देख लो, आज युवा जो हैं हमारे सभी बेरोज़गार हैं। इन्होंने बोला था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई और नूरपुर का एक भी युवा इन्होंने भर्ती नहीं किया। चलो वो अलग बात है कि बंदा टेस्ट क्लियर करके भर्ती देखता है, पर नूरपुर का ऐसा कोई भी युवा नहीं था जो नूरपुर में भर्ती नहीं हो सका। बस ये कहना चाहता हूँ। जैसे आप भी एक युवा हो, तो आप युवा होने के नाते आप क्या था नेता चाहते हो? सर, युवा होने के नाते हम एक अच्छा नेता चाहते हैं जो युवा की भी सुने। यहाँ नूरपुर में काफ़ी 25 साल से राजनीति चलती आ रही है, दो ही परिवारों में, एक महाजन जी एक पठानिया जी। तो कभी 5 साल एक बनता है, 5 साल एक बनता है, तो बारी बारी की जब राजनीति चल रही है। अपने युवा के लिए देख लो कुछ नहीं है, बेरोजगार इतनी है हद से ज़्यादा, नशा देख लो इधर इतना नशा हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा नेता आए जैसे ठाकुर रणवीर सिंह निक्का जी हैं, अभी इतना बढ़िया जी हैं, उनका इतना अच्छा हर जगह प्रचार हो रहा है और समाज से अभी भी हैं, ऐसे नेता आगे आने चाहिए, ना कि जो ऐसे नेता है 5 साल हमारे 5 साल तो इनके। अभी महाजन जी को देख लो, पठानिया जी को देख लो, इनकी चलती आ रही है राजनीति, शुरू से यही राजनीति आ रही है। हम चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए, बदलाव हो। तो हमारी निगाह में यही है कि ठाकुर रणवीर सिंह निक्का जी ये आए और हमारे इलाके का विकास कराएँ, बस यही चाहते हैं। जैसे कि इस समय रणवीर सिंह निक्का जी आपके वार्ड में डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलते हैं, और आप एक युवा हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम निक्का जी के समर्थन हैं और हम बारी बारी की राजनीति से तंग आ चुके हैं, इसलिए नूरपुर में इस बार बदलाव चाहते हैं। आप भी एक युवा हो, आप भी कुछ कहना चाहोगे? देखिए, 5 साल तेरे और 5 साल मेरे, ये वाली राजनीति हम ख़त्म करना चाहते हैं। नूरपुर में हम कोई नया चेहरा लेके आना चाहते हैं कि नए तरीके से काम हो, नई सोच हो, नए युवा को काम मिले। हम इसलिए इन दोनों को हटा के एक नया चेहरा सामने लेके आना चाहते हैं।